हाय गाइस, मैं हूँ राखी। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एलएसीटी राखी रसोई में। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो क्यों ना सर्दी में गर्मा गर्म आज चना दाल चावल बनाया जाए। तो आज चने दाल से मैं चावल बनाकर दिखाऊंगी, नमकीन चावल जो खाने में सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। कुकर में मस्टर्ड ऑयल डाल करके गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें तड़का डालूंगी। तो तड़के में के लिए मैं डाल रही हूँ जीरा, सूखा हुआ मिर्च, थोड़ा सा हींग डाल करके इसको थोड़ा सा चटकने दूंगी। थोड़ा सा चटकने के बाद इसमें ऐड करूंगी चना दाल। चने दाल को मैंने 10 मिनट के लिए भिगोकर अच्छे से मसल कर धो लिया है। धोने के बाद ऐड कर दूंगी यहाँ पर तड़के में, और डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लूंगी। और इस तरीके से आप लोग बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। नमकीन चावल सर्दी में गर्मा गर्म नमकीन चावल इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो बहुत टेस्ट, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो ज़रूर आप लोग भी बनाएं। अब चने दाल डालने के बाद इसको एक मिनट के लिए बस ऐसे भून लेना है चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से। और देखिए अच्छे से चलाते हुए इसको मैं भून लूँगी। एक मिनट भूनने के बाद अब मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे प्याज। मैंने ये चॉप प्याज मीडियम साइज़ के दो प्याज लिए हैं, तो मैंने प्याज ऐड कर दिया। और नमकीन चावल में प्याज बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर आप लोग इस्तेमाल करें प्याज का। जो नहीं खाते हैं वो स्किप कर दें, और जो खाते हैं तो आप लोग ज़रूर करें। तो यहाँ पे प्याज ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे सोयाबीन को ऐड कर देती हूँ, सोया चंक्स। तो मैं इसको भिगो के रखी थी 5 मिनट के लिए, इसको मैं भिगो कर अच्छे से निचोड़ करके अब मैं इसमें डाल दी हूँ प्याज को। और चने दाल और सोयाबीन को एक साथ ही भूनूंगी। 2 मिनट इसी तरीके से भूनना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गोभी। जो गोभी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने गोभी ले लिया है, एक कटोरी करीब मैंने गोभी लिया है, तो गोभी को ऐड कर दूंगी। के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे मटर, और गोभी मटर को भी डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर भून लूँगी। सर्दियों में इस तरीके से बनाएं चावल, नमकीन चावल बहुत टेस्टी लगती है, और इतना टेस्टी लगती है कि आप लोग एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। और बहुत कम समय में ये बनता है चावल, नमकीन चावल। तो आप लोग 10 मिनट के अंदर में आप लोग ऐसा चावल बनाकर खा सकती हैं। ना सब्जी की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, बस इस तरीके से सब्जी चावल डाल करके छौंकिए और बना लीजिए, बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो अब मैं देखिए 2 मिनट भूनने के बाद अब मैं मसाले को ऐड कर रही हूँ। तो 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने ऐड किया हल्दी, 1 टीस्पून यहाँ पर ऐड करूँगी मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। सभी मसाले ऐड करने के बाद अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाले डालते टाइम फ्लेम को लो रखें और लो फ्लेम पे भूने, तो इससे बहुत अच्छे से मसाले भूनते हैं। तो ये देखिए लो फ्लेम पे मैं इसी तरीके से चलाते हुए भून लूँगी। भूनने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 मिनट करीब इस तरीके से भूनना, उसके बाद मैं यहाँ पर चावल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे चावल को 10-15 मिनट के लिए भिगो करके रख लिया था मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद। अब मैं चावल को ऐड कर दूंगी इसमें सब्जियों में, और ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चावल आप कोई सा भी ले सकती हैं, छोटा बड़ा किसी भी साइज़ के आप ले सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए चावल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है। चावल के अकॉर्डिंग आप लोग पानी यहाँ पर ऐड करें। फ्लेम को हाई कर देना है और इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए कुकर के हम लीड लगा लेंगे। ये तो देखिए अच्छे से मिला लिया, अब लीड लगा दूंगी। कुकर की लीड लगाने के बाद अब मैं गैस फ्लेम पे रख दूंगी इसको पकने के लिए। तो हाई फ्लेम पे मैं इसको 2 सीटी लगा लूंगी, और लगाने के बाद ये देखिए सीटी काफ़ी अच्छे से इसका प्रेशर ख़त्म हो गया है। तो अब मैं निकाल लूँगी और ये दिखाती हूँ। ये देखिए चावल कितने अच्छे से हमारा खिला खिला बन करके तैयार है। ऐसे गर्मा गर्म आप लोग खाइए, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैं प्लेट में निकालती हूँ चावल गर्मा गर्म, उसके साथ अचार, पापड़, प्याज, ये सब खाइए, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आप ऐसे भी खाएंगे बिना किसी अचार प्याज के तो आप लोग को फिर भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करें। और अभी आप लोग को रोज़ मेरे चैनल पे नई नई रेसिपी देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे नई जुड़ी हैं तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सभी फ्रेंड फैमिली के साथ में मेरे चैनल के लिंक को शेयर करिए।
ताकि मैं आप लोगों के लिए मैं रोज़ रोज़ एक नई नई रेसिपी लाती रहूं। लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।